वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज अंकिता और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी मैं छः महीने से यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी मैंने छः महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी है एंड आज मैं वीडियो छः महीने बाद डाल रही हूँ सो सो सॉरी फॉर दैट तो आज हम पढ़ने वाले कुछ अलग टॉपिक एंड कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक तो आज का टॉपिक का जो नेम है योग्य विधि आई गेस ये फोर्थ ईयर में है मुझे एक्चुअली फोर्थ ईयर का सिलेबस पता नहीं है मैंने अभी सर्च भी नहीं किया सो आई डोंट नो बट मैंने पढ़ा था अभी सो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो ये जो चैप्टर है योग्य विधि वो शुश्रु संहिता सूत्र स्थान अध्याय नाइन से है योग्य विधि एक तरह से आप बोल सकते हो ये एक्सपेरिमेंटल सर्जरी के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पे सर्जरी की प्रैक्टिस किस तरह से की जाती थी ठीक है सो so, जल्दी से हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं so, सो योग्य विधि में पहला पॉइंट हमारा आता है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग सर्जरी ऑन सम डमी अंटर वन गेट्स मास्टरी ओवर इट उस टाइम पे अभी भी जैसे कि अभी आप मॉडर्न में देखते हो कि अभी हम सर्जरी करते हैं ठीक है तो सर्जरी में हम यूज़ करते हैं डेड ह्यूमन बिंग को प्रैक्टिस के लिए सो so, उस टाइम पे भी किया जाता था तो यहाँ पे बता रहा है कि उस समय हम किसी डमी पे मास्टर करते थे जब तक कि हमें उस पे महारत हासिल नहीं हो जाए ठीक है सेकेंड uh, पॉइंट है इसका कि वन शुड प्रैक्टिस सर्जिकल मेथड्स ऑन सिमिलर लाइफलेस ऑब्जेक्ट मतलब कि हमें किसी लाइफ ऑब्जेक्ट पे नहीं करना है हमें किसी लाइफ पर्सन पर नहीं करना है हमें किसी लाइफलेस ऑब्जेक्ट पे सर्जिकल मेथड को प्रैक्टिस करनी ताकि हमें उस पर अच्छे से कमांड हो जाए ओके okay? सो so, इसमें सबसे पहले तो तीन पॉइंट्स आते हैं एक योग एक योग्य सूत्री और तीसरा है योग्य सो so, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है योग उसका मतलब होता है मास्टरी ओवर सर्जिकल प्रोसीजर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर में महारत हासिल करना को हम योग बोलते हैं योग सूत्री है ये चैप्टर का नाम है एंड इसमें योग के बारे में बताया गया है ठीक है एंड योग्य इज़ अ स्टूडेंट हु मास्टर इन दिस फील्ड एंड बिकम सर्जन एंड परफॉर्म सर्जरी योग एक छात्र या फिर छात्रा एक स्टूडेंट को बोला गया जो इस फील्ड में मास्टरी करता है एंड देन सर्जन बनता है एंड उसके बाद वो सर्जरी परफॉर्म करता है आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में सबसे पहले सुश्रुत आचार्य सुश्रुत जी ने सर्जरी किया था इसलिए उसको फादर ऑफ उनको फादर ऑफ़ सर्जन भी बोलते हैं Uh, वैद्य जो है फिजिशियन वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं फिर उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वही स्टूडेंट योग्य कहलाते हैं और उसको हम मॉडर्न के टर्म में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर भी बोलते हैं ठीक है सो बेसिकली इसमें हम पढ़ने वाले हैं मास्टर इन डिफरेंट सर्जिकल और पारा सर्जिकल मेथड कि उस समय सोचिए सुश्रुत जी कितने नॉलेजेबल पर्सन थे कि उन्होंने किस किस तरह से बताया कि हम किस किस तरह से सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द लाइफलेस ऑब्जेक्ट तो पहले तो स्नेहन स्वेदन है तीसरा तीसरा हमारा है छेदन ठीक है जो बेसिकली जो शुश्रुद्ध है आचार्य सुश्रुद्ध है उन्होंने आठ बताया गया है डिफरेंट डिफरेंट सर्जरी तो उसके हम पहले हम नाम देख लेते हैं तो ये आठ शल्य कर्म है छेदन भेदन लेखन एशन आहारन भेदन विश्रावन, और विश्रावन एंड सीवन तो अभी हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे कि उस टाइम पे कैसे उन्होंने बताया है कि अब अलग अलग ऑब्जेक्ट पे सर्जरी परफॉर्म कर सकते थे मतलब बेसिकली प्रैक्टिस के लिए तो उन्होंने बहुत सारे मॉडल बताए तो अभी हम छेदन से स्टार्ट करते छेदन का मतलब होता है कट लगाना एक सीज़न लेना या फिर स्प्लिट करना ठीक है तो उन्होंने उस टाइम पे बताया था ये मॉडल दिया था जैसे कि अलाबू कुशमांड गाउड जो भी गाउड जो वेजिटेबल्स होती है जैसे कि बॉटल गाउड आईवी गॉड रिज गाउड मतलब कद्दू बहुत सारी चीज़ें होती है गाउड आप जब नेट पर जाओगे ना तो बहुत सारे आपको वैसे सब्जियाँ मिल जाएगी गाउड के फिर कुकुम्बर पुष्प फल इन सबको उन्होंने मॉडल बताया कि इन सब में आप छेदन परफॉर्म कर सकते हो उसके बाद आपको जब मास्टरी आज उस पर तो आप डायरेक्ट ह्यूमन पे कर सकते हो तो इसके भी दो टाइप्स ने उन्होंने बताया है एक तो है उत्कर्तन दूसरा अपकर्तन तो उत्कर्तन में आप ऊपर से आप कट लगाओगे और अपकर्तन में आप नीचे से कट लगाओगे मतलब डाउनवर्ड लोगे उसके बाद आता है हमारा फोर्थ भेदन तो भेदन होते हैं इन और टैपिंग या फिर लेटिंग आउट ऑफ फ्लूट फ्रॉम बॉडी तो इसमें आप मतलब ये जो बेसिकली देखा जाता है तो विद्रोधी के केस में मतलब जब एपसेसेस हो जाती है तो इसमें हमें भेदन करना चाहिए ऐसा बोला गया है तो उस टाइम पे उन्होंने जो मॉडल बताया था उसमें जैसे कि कोई लेदर बैग है उसमें आपने वाटर फिल्ड कर कर दिया उसमें आप भेदन कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस के लिए या फिर किसी एनिमल का ब्लैडर मतलब बस्ती एंड उसमें आप मिट्टी भर सकते हो मतलब लाइक कीचड़ की तरह एंड उसमें आप भेदन परफॉर्म कर सकते हो जिससे कि आपको उस पर मास्टरी आ जाएगी तो अभी हमने दो देखे एक तो छेदन जिसमें हम कट लगाते हैं और भेदन जिससे कि हम ऐसे प्रोसीजर जिससे कि हम लिक्विड जो भी फ्लूड है बॉडी के अंदर उसको हम बाहर निकालते हैं ठीक है दूषित फ्लूड उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेखन लेखन का मतलब होता है स्क्रैपिंग ठीक है तो उन्होंने तो मॉडल बताया है कि कोई हम डेड एनिमल का स्किन लेंगे जिसमें हेयर लगी हो तो हम उस हेयर को निकालने का प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कोई एक लेदर जिसमें स्कैंटी मतलब थोड़े से उल हो और उसमें हम स्क्रैपिंग की प्रोसीजर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा भेदन भेदन का मतलब होता है पंक्चरिंग करना या फिर वैन सेक्शन करना इसमें मॉडल उन्होंने बताया है कि कोई भी डेड एनिमल का वेजर लेंगे मतलब सीरा लेंगे और उसको हम पंक्चर करने की प्रैक्टिस करेंगे या फिर लोटस स्टॉक ठीक है वो भी हम ले सकते हैं देन नेक्स्ट टर्म है हमारा एशियन इसको हम प्रॉबिंग बोलते हैं uh, ये बेसिकली भगंदर वगैरह में यूज़ किया जाता है भगंदर जो व्याधि होती है उसमें और उन्होंने मॉडल बताया कि हम या तो एक हॉलो स्टिक ले सकते हैं या फिर कोई स्टेम या फिर बैम्बू का स्टेम या फिर ड्राइड बॉटल गाउट मतलब जो कद्दू होती है वो सूखी भी होनी चाहिए तो भगंदर में आप लोगों को पता होगा कि उसमें बहुत सारे मतलब एब नॉर्मल टनल्स का फॉर्मेशन होता है तो हम एशियन कर्म से पता लगा सकते हैं कि वो जो टनल है वो कहाँ तक जा रहा है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट है टर्म हमारा आहारण आहारण दैट इज एक्सट्रैक्शन तो इसमें उन्होंने मॉडल बताया है कि जो बिल्ब होता है बेल होता है उसमें हम पल्प निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं सीड निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर बिम्बी में भी जैक फ्रूट डेट इज कटहल आईवी गाउड आ, और डेड एनिमल का तीर्थ निकालने के लिए भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये आहारण में आहारण में आता है नेक्स्ट टर्म है हमारा रक्त मोक्षण तो इसमें उन्होंने मॉडल बताया है कि जो शालमली एक प्लांट है उसका हम उड लेंगे और उसमें हम वीवैक्स मधुचिष्ट में हम से हम उसको पूरा स्मेयर कर देंगे मतलब हम उसमें पूरा लगा देंगे तो उसमें हम एक बोल सकते स्काल्प से कट लेंगे एंड देन उसके बाद हम उसमें रक्त मोक्षण कराएंगे मतलब विश्रावण कराएंगे तो उन्होंने ये मॉडल बताया कि हम ये मॉडल से रक्त मोक्षण में हम महारथी हा आ, हासिल कर सकते हैं मतलब हम उसमें प्रैक्टिस अच्छे से करने पे हम उस हमें उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है देन है शीवन मतलब सूचर करना तो उन्होंने बोला है कि आ, कोई भी हम थेन या फिर थिक लेदर पे या फिर कोई क्लोथ पे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं जिससे कि सूचर की प्रैक्टिस होगी उसके बाद है अग्नि दग्ध और शार तो इसमें हम मॉडल ले सकते हैं कोई भी एनिमल का फ्लैश इसमें तो आपको पता है अग्नि दग्ध में हम फायर कॉटराइजेशन करते हैं और शार में अल्कली कॉटराइजेशन तो इसमें हम लिविंग को छोड़ के डेड का यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट आता है बस्ती कर्म तो बस्ती कर्म में उन्होंने जो मॉडल बताया है उसमें हम या तो एक पॉट लेंगे या फिर कैन लेंगे जिसमें वाटर फिल्ड है या फिर ड्राइड बॉटल गाउड लेंगे जिसमें होल्स हो और उस होल्स में हम जो बस्ती का जो नेत्र आता है उसको हम इंजेक्ट करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं देन लास्ट है, है कर्ण संधि बंधनम इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे पता है जो होल होता है हमारे ईयर में वो कभी कभी कुछ संधियों की दुष्टि की वजह से कुछ होल्स वगैरह बड़े हो जाते हैं तो उसमें हमें सूचर से बस सिलने की ज़रूरत होती है स्टिचिंग की ज़रूरत होती है तो उसकी प्रैक्टिस हम किस पे कर सकते हैं तो उन्होंने मॉडल बताया है सॉफ्ट लेदर पे मसल्स पे या फिर लोटस स्टॉक पे तो इन सब में हम प्रैक्टिस कर सकते हो तो आप देख सकते हो कि उस टाइम पे सुश्रुत जी ने कितने सारे मॉडल बताए कि जिसपे हम अलग अलग मेथड अलग अलग जो कर्म होते हैं वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सो आई होप ये वीडियो आज का आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सी या हैप्पी होली